आज लास्ट एग्जाम बचा है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी शेकी होगी तो काम चला लेना, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी चार्ज नहीं है तो मैं संदेश के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। पढ़ाई कर लिए, लास्ट पेपर आज, ये भी हो ही जाएगा। तैयार होते हैं जल्दी से और चलते हैं कॉलेज। लाइटिंग थोड़ी सही कर लेता हूँ, लाइटिंग लाइटिंग कम आ रही होगी, दिख रहा है मुझे। तो अब लाइटिंग कैसी आ रही है? अच्छी आ रही होगी। ठीक है, ये मेरा रूम है, नया रूम। तो भाई तैयार हो चुका हूँ, फुल ड्रेस पहन चुका हूँ और ये लोग भी तैयार हो चुके हैं। और ये रहे हमारे भाई लोग संदेश और सुधांशु। तो भाई चले, गाड़ी वाड़ी निकालो तुम अपनी। आज मिश्रा जी कह रहा हम कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हारी, हम तुम हमारी बातें अनसेंसर्ड कर देता हूँ, बीप बीप लगा देता हूँ। तो भाई मेरी कार, चलते हैं फिर जल्दी से कॉलेज और हाँ बना लेंगे, इसमें चिंता मत करो तुम। निकल चुके हैं, सीट बेल्ट पहन लेते हैं क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। मिश्रा जी कैसा लग रहा है? लास्ट पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर घर को चलेंगे प्रस्ताव। ठीक लग रहा है? सदमे में क्यों हो तुम? हाँ, मास्क भी पहनना कंपलसरी है, एक मास्क एक ग्लव्स। और ये देखो कोरोना कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ मजे में आ रहा हो तुम, कभी कॉपीराइट आ जाएगा तो तुमको मैं थोड़ा सा चबी लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बैठे बैठे पढ़ पढ़ के खा ही रहा था। और मैं रूट दिखाता हूँ तुम्हें, रूट इंजॉय करो। Guys, पेपर खत्म हो चुका है, अभी अभी आया है और ये लोग कर रहे हैं अपनी पैकिंग जाने के लिए अपने अपने घर पे। और संदेश पेपर खत्म, टेंशन तो थी नहीं तुम्हें? बस मिश्रा जी को टेंशन थी, मिश्रा जी की टेंशन खत्म, हमारी भी टेंशन खत्म। अब हम भी दो तीन दिन में करेंगे पलायन यहाँ से, तो करवाओ पैकिंग जल्दी जल्दी। राहुल भैया फुल स्पीड में पैकिंग चल रही है। अरे अभी नहीं जाते वक्त मिलेंगे कल। तो कुराल सर भी जा रहे हैं, और कुराल सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मिश्रा जी तैयार हो चुके हैं अपने जोच वाले मार्क्स में। तो यार सच में एग्जाम्स बड़े डरावने तो थे, पर हो गए यार, जैसे भी होगा होगा, बढ़िया हो गए। अब रिजल्ट का वेट है कि रिजल्ट आता है। ठीक है भाई, ठीक है, बाय बाय। ठीक है कुणाल सर, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, बाय मिश्रा जी। ठीक है बाय, ठीक है बाय। ये है डे टू और आज का दिन थोड़ा बिजी था क्योंकि मैं कहीं गया था घूमने। कहाँ चले? पीछे में चले, पहले थोड़ा घूम कर आते हैं। तो गाइज ये है डे टू और आज मैं कहीं गया था घूमने, उसकी वीडियो आपको मिलेगी इसके बाद वाले व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ राहुल भैया के साथ और हम जा रहे हैं कहीं पे फोटोशूट करते हैं, थोड़ा सा जाके देखते हैं। और ये यहाँ का पीछे का एरिया है सारा जहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी मुझे रूम पे जाके थोड़ा अपना सामान भी शिफ्ट करना है, कल जा रहा है घर को भाई। हाँ शिफ्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा सामान पैक वैक करना है। पेपर खत्म हो गए? हाँ पेपर खत्म, पेपर की तो चिंता ही थी सारी। और भैया ने अभी नई गाड़ी ली है स्विफ्ट, एक महीना हो गया इसको। एक महीना हो गया? हाँ एक महीना हो गया। तो मस्त कार है, मस्त है, इसको रफ्तार है हम आज घुमा रहे हैं इसको बहुत तेजी से। Square.
The name's Bean. Mr. Bean. मैं आ गया हूँ रूम पे, कुछ सामान मैंने पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत सामान बचा है, वो मम्मी पापा आके हेल्प करेंगे मेरी पैक करने में, जैसे कपड़े हैं और ये सब चीज़ें। एक तो कॉलेज वैसे ही लेट चल रही थी यूनिवर्सिटी की वजह से, ऊपर से बीच में कोरोना आ गया, इससे मेरी नहीं मतलब बहुत सारे लोगों की पढ़ाई वेस्ट हुई है इस साल, चाहे वो CBSE में हो, UP बोर्ड में हो, या फिर कोई भी कोर्स कर रहा हो या डिग्री कर रहा हो, सबकी पढ़ाई इस बार बहुत ज़्यादा लॉस हुई है। और पता नहीं आगे भी कितना ये सब चीज़ें होंगी, और पता नहीं कोरोना अभी सुनने में आ रहा है कि वापस आ गया है, पता नहीं दूसरी वेव आई है कोरोना की। तो मैं तो सोच रहा था पहले कि दिसंबर तक मतलब क्रिसमस होगा, क्रिसमस पे कोरोना ही नहीं होगा, लेकिन लग रहा है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस आने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारा जो कॉलेज है वो कोरोना हॉस्पिटल बन गया है, तो जिस वजह से हमारी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी सारी। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मतलब कुछ दिन पहले तो मेरे दोस्त थे, पर दो दिन मुझे यहाँ पे अकेला ही रहना पड़ा। पहले भी इससे मतलब एक हफ्ते पहले मैं अकेला ही रहा था, तो अकेला रहने में थोड़ा सा डर तो लगता है यार, कि मतलब कि अकेले हो आप सब चीज़ें खुद मैनेज करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने के लिए मैनेज करना पड़ता है, सुबह सुबह खुद का नाश्ता बनाना, क्योंकि बाहर यार जितनी आप कोशिश करोगे उतना बचा करो बाहर का खाना खाने से, लेकिन फिर भी यार अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर बाहर रहते हो मतलब घर से बाहर, तो आपको मजबूरी में वो चीज़ खानी पड़ती है, चाहे वो बाहर का खाना हो, क्योंकि एक तो आप एक चीज़ होती है कि बजट भी बना के चलना पड़ता है अपना, और एक चीज़ होती है अपने हेल्थ के लिए होता है। तो मैं यूजुअली यहाँ पे ओट्स वगैरह, दूध और एग्स, सच में एग्स के लिए हेड्स ऑफ भाई, इस बार एग्स ने मुझे बचाया सच में, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट और बॉइल्ड एग्स इनसे, और ओट्स से, और बहुत सारी चीज़ें, मिश्रा जी थोड़े से वो ले आए थे, क्या कहते हैं, पोहा मिक्सचर, दैट इज़ द पर्फ्ड राइस, और वो भी था, उन सबको मिक्स करके बनाना काट के उसमें डाल के मैं सुबह से ब्रेकफास्ट करता, मिश्रा जी अपनी चाय बनाते थे और भेलपुरी टाइप की कुछ चीज़ बनाते थे बढ़िया सी, वो लोग हम इंजॉय करके खाते थे। फिर कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आके फिर हम बाहर एक मतलब स्टॉल लगता है, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं भैया, और उनके यहाँ हम पराठे और छोले खाते थे कभी कभी, खाना जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे लालपुर में, तो उनके यहाँ से मेरे को खाना आ जाता था कभी कभी शाम में, तो वो भी बहुत अच्छा खाना आता था, एकदम खाने में अच्छा लगता था। भैया भी बहुत अच्छे हैं, भैया यहाँ पे रहते थे, राहुल भैया आपने देखा ही होगा वीडियो में, अब पता नहीं ये कमरा नेक्स्ट वीडियो कब बनेगी, इस कमरे में पता नहीं कब, या तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, या 4 महीने भी लग सकते हैं कि यहाँ पे रूम पे मैं आऊँगा। बाकी अपना ध्यान रखो सब लोग, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारे न्यू अपडेट्स भी देता हूँ और फोटोज डालता हूँ अच्छे अच्छे, और टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मेरी वीडियो शेयर करो, ताकि मेरे चैनल को बूस्ट मिले और मेरा कॉन्टेंट पुश हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले असल विस्ता। निकलते हुए बना देने के।